अभी रात के बज चुके हैं एक और हम पहुँचे हैं फिरोजाबाद। तो अभी आज पूरा नाइट में मैं चला हूँ इस ट्रक में, क्योंकि मैं अभी रात में ये लंबी दूरी से मैं जा रहा हूँ। दूसरी जगह रुकूँगा, हम रुके ढाबा में। पहले गए जब हमने होटल पे खाना खा लिया है, अभी रात के बजे हैं। देखो दोस्तों 2:09 हमने घंटा यहाँ पर विश्राम किया, उसके बाद हम खुला रहे। ये फिरोजाबाद में ढाबा है श्री राम ढाबा, जहाँ पर हमने अभी खाना खाया रात को। तो आज हमने रात को ही चल रहे हैं, तो ये जहाँ पर जाता है जहाँ तक हम जाते हैं इसके साथ। नागालैंड 01 का है दोस्तों, इसमें हम आए हैं अभी, इसी में अभी जा रहे हैं जहाँ तक। अब इसी में मैं रुकूंगा रात में, इसी तरफ में रुकूंगा रात में, देखता हूँ फिर कैसे कहाँ तक रुकता है ये। अभी रात के 2:00 अभी रात के 2:10 हुए हैं, तो मैं अभी इसी ट्रक में आया हूँ और इसी में अभी जा रहा हूँ। तो अब अपन रात को इसी ट्रक में रुकने वाले हैं, फिर ये ट्रक आगे जा रहा है तो अभी फिरोजाबाद आया है, उसके बाद थोड़ा सा आगे जा रहा है तो मेरे को लगभग सुबह तक कहीं पर वो उतार देगा। उन लोग जाना आगे जा रहे हैं, इसमें उसमें गाड़ियाँ लोडिंग की हुई है। हम इधर रुक चुके हैं रात के, अब इधर हम सोने वाले हैं दोस्तों। इसी गाड़ी में अभी मैं सोऊंगा, क्योंकि रात को मैंने लिफ्ट ली थी तो ये गाड़ी अभी उनके घर तक आ चुकी है, तो उनके घर पर मैं सोने के लिए चले गए। तो मैं रात को इधर ही रुकूंगा। अभी रात के दोस्तों 2:46 हो चुके हैं, तो मैं भी रात को यही रुकने वाला हूँ और इसी ट्रक में दोस्तों रुकने वाला हूँ। ये ट्रक है भैया, घर पे चले गए हैं और मेरा दोस्तों बैग ये रहा, तो अभी मैं इधर ही रुकने वाला हूँ। सुबह यहाँ से हम शुरू होंगे, रवाना होंगे, आगे जितना जा सके उतना जाएंगे। तो अभी हम इधर दोस्तों मैं सोने वाला हूँ, अपना फ़ोन अगर इधर चार्जिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ सो जाता हूँ। तो दोस्तों सुबह मिलता हूँ मैं आपको, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी जल्दी हम उठ चुके हैं, सुबह इधर ही सोया था, अभी यहाँ से हम रवाना हो गया आगे के लिए। रात को इधर सोया था दोस्तों, अपना बैग ये तैयार है, तो अभी घर पे अंकल फ्रेश होने के लिए भैया के, तो वहाँ से फ्रेश होके आते हैं, तभी यहाँ से हम रवाना होते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हेलो ये श्री राम दोस्तों। अभी दोस्तों मैं मॉर्निंग के टाइम अभी उठ चुका हूँ, तो रात को मैं इसी तरफ में रुका था, फिर रात को मेरे को भी ला के 2 तक छोड़ा था, तभी भैया का इधर घर है, तो मैं रात को इसी में रुका था और इसी के भैया के साथ था। तो अभी यहाँ से ट्रक रवाना होगा, तो हम भी इनके भैया के साथ यहाँ से रवाना होने वाले हैं। मैं इसमें बैठा था ब्यावर से कल दोपहर को 2 और रात को 2 ये इधर मतलब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका है। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में हूँ, वहाँ से मैं अभी आगे जाने वाला हूँ, तो ये अभी यहाँ से रवाना होने वाला है। कैज मैं पहुँच चुका हूँ उत्तर प्रदेश में, अभी रात को मैंने एंट्री की थी 12 रात को उत्तर प्रदेश में एंट्री कर दी थी आगरा से आगे। अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश में, इधर भैया का उत्तर प्रदेश में घर है, तो उन्होंने रात को मैं इसी ट्रक में दोस्तों रुका था, रात को 2 ये इधर फिरोजाबाद पहुँचा है। तो अभी यहाँ से रवाना होगा आगे लखनऊ के लिए, यहाँ किधर जाता है तो वहाँ तक हम पूछ के साथ जाते हैं। वैसे दोस्तों बने रहे, आज पूरा दिन में लगभग इन भैया के साथ ही रहने वाला हूँ, क्योंकि ये उस साइड ही जा रहे हैं, तो मुझे कहाँ तक छोड़ते हैं वो देखते हैं। तो पूरा दिन भैया के साथ बिताने वाला हूँ दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों मैं बता दूँ इसमें गाड़ियाँ लोडिंग है कौन सी कंपनी की, वो मैंने पूछा नहीं अभी तक। इसमें 3 गाड़ी है जो अहमदाबाद से लेके आए और आगे भैया लेके जा रहे हैं, तो हमको लिफ्ट दी थी। इसमें ये संदीप नाम की कंपनी है जो आगे जा रही है,
गाड़ियाँ लौटी हुई हैं। जब भी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तभी मैं भैया के घर जाने वाला हूँ। इधर ही उनका भैया का घर है तो मैं उनके लिए भी जाने वाला हूँ। अभी दोस्तों हूँ मैनपुरी, इधर ही भैया का घर है दोस्तों, तो वहीं पर मैं अभी जा रहा हूँ उनके घर तक। फैमिली गए जब मैं भैया तो उस खेत में हूँ, यहाँ पर भैया की खेती की हुई है दोस्तों, आलू बोए हुए हैं, पोटैटो, तो यहाँ पर आलू की खेती की हुई है। और मैं इनके इधर ही खेत रखे था दोस्तों, आप पूरा देख रहे हो पूरा दोस्तों, पीछे सरसों का खेत है, इस तरफ दोस्तों सरसों है, बीच में ये गेहूं है। और यहाँ पर ये जो ऐसी खेती की हुई है, आपको दिखाओ दोस्तों, ये जैसे किले की तरह से खेती की हुई है, इसमें पोटे तो पोए हुए, जो आलू अभी पक चुके हैं, इसको मशीन के द्वारा यहाँ तो बाहर निकाला जाएगा या कैसे भी करके इसको बाहर निकाला जाएगा। यहाँ से पूरी वहाँ तक पूरी आलू की खेती है। अभी तो मैं भैया उनके खेत पे हूँ, तो यहाँ से अभी हम रवाना होने वाले हैं। जब दोस्तों पीछे देख रहे हो, सामने अंकल बैठे हुए आलू निकाल रहे हैं वहाँ से। तो इधर मैं रात को भैया के इधर ट्रक में रुका था, तो ये मानपुरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे भैया का घर है। तो अभी मैं जाता हूँ वहाँ पर, स्नान वगैरह की व्यवस्था होती है तो मैं स्नान वगैरह करता हूँ, फिर वहाँ से हम रवाना होंगे, जो आगे निकलेंगे वहाँ से। अभी यहीं तक हम पहुँचे हैं, मैं पहुँचा हूँ भैया के खेत में, जहाँ पे इन्होंने आलू की खेती की है, पोटैटो की। यहाँ से बहुत दूर तक आलू की खेती की हुई है, तो वहाँ मैं पहुँचा हूँ, अभी उनके खेत पे ही हूँ। हे दोस्तों, उनका खेत है संतोष भैया का, जहाँ पे ये पूरी खेती की हुई है। इस तरफ दोस्तों गेहूँ है, उस तरफ सरसों हैं, और बीच में पूरा जो पोटैटो की खेती की हुई है, कम से कम तो एक बीघे में उन्होंने पोटैटो की। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो उनके रिश्तेदार के घर है, ये पूरी सरसों की खेती की हुई है। मेन हाईवे पर ही इनका घर है नीचे, जहाँ पे और भी इनका घर अभी पुराने वाला है और नया भी घर बन रहा है। अभी स्नान वगैरह यहाँ करते हैं, फिर यहाँ से हम रवाना होते हैं। फैल गए जब हमने स्नान वगैरह कर लिया है, और अभी तक अभी मैं इधर ही ट्रक में हूँ, क्योंकि भैया अभी गए कुछ काम से दूर, तो मैं अभी इधर ही हूँ। जब भैया आते तो हम शाम को 3 बजे हम रवाना यहाँ से होंगे। यहाँ से भैया आगे बहुत जाने वाले, जहाँ तक मुझे ये छोड़ देंगे भैया। तो मैंने स्नान वगैरह कर दिया, बैग वगैरह फेंक है, भैया ने अपने घर से मेरे लिए टिफिन लाया है। तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको टिफिन, ये दोस्तों भैया अपने घर से लेके आए हैं। अभी मैं आगरा से आगे हूँ, उत्तर प्रदेश में जो जहाँ पे हूँ मैं अभी, ये फिरोजाबाद है, तो अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ। तो अभी दोपहर में, आज तो दोस्तों रवाना नहीं होंगे, समथिंग शाम को 3 बजे हम रवाना होंगे, क्योंकि ये लिफ्ट मुझे बहुत लंबी मिली है, जहाँ से मैं अपना दूसरी वगैरह ट्रक नहीं बदल सकता हूँ। तो 4-5 घंटे ये ट्रक यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद यहाँ से हम रवाना होंगे। आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, सामने जो हमारा वो ट्रक पड़ा है, उसी ट्रक में मैं आया था अभी। तो यहाँ से अभी हम इधर रवाना होंगे 3 बजे शाम को। जैसे ही मेरे को कल लिफ्ट मिली थी दोस्तों, बहुत लंबी लिफ्ट मिली थी कल मुझे, ब्यावर से डायरेक्ट दोस्तों आगरा तक, जहाँ फिरोजाबाद तक लंबी लिफ्ट मिली थी, वहाँ से मैं अभी तक आया था। और उसके आगे मैं अभी जस्ट जाने वाला हूँ, तो अभी मैं फिरोजाबाद में ही रुका हूँ, उसके आगे अभी जाने वाला है। तो शाम को 3 बजे भैया रवाना होंगे, किसी प्रोग्राम में गए हैं, उनका घर इधर नज़दीक ही है, तो वहाँ से वो कहाँ दूर गए हैं। आज दोस्तों यहाँ नेट स्लो होने के कारण वीडियो आज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कल से रोज़ाना वीडियो आ जाएगा, समथिंग कल या परसों मैं अयोध्या पहुँच जाऊँगा, उसके बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मैं इधर ही रुका हूँ, शाम को खाना वगैरह खा लिया अभी मैंने, तो अभी यहाँ से शाम को 3 बजे रवाना होंगे, तो डायरेक्ट मुझे लखनऊ तक लगभग लिफ्ट मिल जाएगी। ये भैया वो देर तक ही जा रहे हैं,
इसमें गाड़ी लोडिंग है, तो भाई जा रहे हैं यहाँ तक। मैं पहुँचाऊँ